बात है अध्यक्ष जी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सभी उपस्थित भाइयों नौजवानों, आज मुझे बहुत खुशी है आपके बीच में आकर के। और इतनी विशाल भीड़ है आज, इससे साबित हो रहा है कि जनता चाहती है कि यहाँ जनता की गरीबी है, बेरोजगारी है और सारे समस्याएं को कैसे हल किया जाए। किसान के सामने भी समस्या है, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और बीज इसकी सुविधा दी जाए और उसके बाद उनकी फसल की पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाए। इसलिए सारी समस्या है तो आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं जो हमारे किसान हैं, तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आकर किस तरह का परिवार चलेगा। इसलिए नौजवान और रोजगार और व्यापारी और व्यापारियों को सुविधा दी जाए जिससे व्यापारी किसान की पैदावार को खरीद करें और खरीद में उन्हें लाभ पहुंचाएं और फिर लाभ पहुंचाने के बाद जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को सुविधा दी जाए। व्यापारियों को सुविधा दी जाएगी तो किसान की पैदावार खरीदेंगे, उससे किसान भी संपन्न होगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, किसान नौजवान और व्यापारी रख लो तीन बातें, किसान नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे, इसी से देश संपन्न होगा। इससे आज हमारे बीच में जो विशाल जनसमूह है, किसानों की तादाद, नौजवानों की तादाद पूरी देखिए लाखों लोग हैं। आज कभी उम्मीद नहीं कोई करता था कि इतनी भीड़ होगी, समाज देखिए कितनी भीड़, कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, पूरा का पूरा भीड़ है। इससे साबित हो रही है कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि आज हमारे आपके बीच उनके दिमाग में है कि देखिए मुलायम सिंह क्या कहते हैं, तो मैंने कह दिया आपको किसान नौजवान और व्यापारी इन तीनों को मिलकर के ही देश का विकास कर सकते हैं। तो याद रखना ज्यादा किसान नौजवान और व्यापारी ये तीन हैं। किसान है अब जहाँ तक है आपके सामने नौजवान हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार मिले नौकरी मिले और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार करने की सुविधा दी जाए, आर्थिक मदद की जाए सरकार की तरफ से, तो नौजवान आगे बढ़ेगा और व्यापारियों को जो लाभ दोगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी तरह खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसे व्यापारी को सुविधा जाए, किसान नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलके देश को विकास करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि सारे देश के अंदर बहुत एक
ऐसा है विचार एक क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, जनता का क्या करें। ये सारे लोगों में आज किसी भी दल के हों, कोई भी हों, वो सबके सब ये सारी चिंता है उनको। इसलिए आज मुझे खुशी है कितनी विशाल जनसभा, कितनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं। तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास रहता हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जो है, नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ दूसरे देश, उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और ताज़ा ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है, और उसी का परिणाम है कि देखो कितनी दूर पर भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है। वो कहते हैं, वो सोचते होंगे, देखिए मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाज में भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं। इसलिए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की, और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेता पर खेती बाड़ी को करेंगे, प्याज बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान, इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत है। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, तीन, किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिलकर के सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए। तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अशेष उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को भारी वापस जिता रहे हैं। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी वापस जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। भैया पेपर जमा।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेताजी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और